भाई सबको नमस्कार, राम राम। चलिए करते हैं एक और नया चैप्टर आर एस अग्रवाल किताब से, और चैप्टर का नाम है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी और चाल। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे देख लो सारे बच्चे। आज की क्लास में आपके पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ चैप्टर के, उसके साथ साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके चैप्टर के वो भी हम सीख लेंगे। क्योंकि देखो, अगर बेसिक आपको नहीं आता, जो मोटी मोटी बात है, ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, लेकिन जो मोटी मोटी बात है, अगर वो पाँच मिनट सात मिनट वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूंगा, अगर वो आपको बेहतरीन तरीके से आ गई, उसके बाद क्वेश्चन निकालना चुटकियों का काम हो जाएगा। तो आप देखते चले जाओ बस वीडियो को, उसके बाद क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व होते चले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए करते हैं शुरू। अपने चैप्टर का नाम है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। मैं केवल पाँच मिनट लगाऊंगा क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी, ये चैप्टर का नाम। अब यहाँ पर अपने पास तीन चीजें हैं, टाइम स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है। आप हिंदी में लिख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी एस डी, मैं इसको टी एस और डी से डिनोट करता हूँ, कुछ बातें आपको बताऊंगा। देखो, जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, बल्कि लिख ही देता हूँ मैं आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जो दूरी होती है, दूरी दूरी कैसे निकलती है, आपने कभी बाइक चलाई होगी, गाड़ी चलाई होगी, स्कूटी चलाई होगी, कुछ ना कुछ चलाया होगा आपने, तो उसमें एक मीटर होता है जिसमें वो स्पीड दिखाता है कि ये 50 की स्पीड, 60 की स्पीड, 100 की स्पीड, और उस मीटर के बीच में लिखा होता है कुछ इस प्रकार, उस मीटर के बीच में लिखा होता है कुछ इस प्रकार, ये लिखा होता है इसका, या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको KMPH, ऐसे इन दोनों से कुछ एक लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मतलब होता है इसका, किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो जो स्पीड है ना, वो जो स्पीड है, मान लो आपकी स्पीड की सुई यहां पर है, आप 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो मान लो, तो इस बात का मतलब क्या है, 100 की स्पीड का मतलब क्या है, पहले ये समझो। 100 की स्पीड का मतलब ये है कि आप अगर लगातार 100 की स्पीड पर जाओगे, लगातार 100 की स्पीड चलाते रहोगे, चलाते रहोगे, चलाते रहोगे, और एक घंटे तक लगातार 100 की स्पीड चलाओगे, तो आप उस एक घंटे में 100 किलोमीटर दूर चले जाओगे। ये होता है स्पीड का मतलब, ये होता है KMPH का मतलब, ये होता है KMPH का मतलब, किलोमीटर प्रति घंटा, कि एक घंटे में कितने किलोमीटर जाओगे। तो स्पीड को लिखने का ये तरीका होता है कि 100 की स्पीड अगर आप चल रहे हो तो एक घंटे में 100 की स्पीड जाओगे, अगर आप 60 की स्पीड चल रहे हो तो आप एक घंटे में 60 किलोमीटर ही जा पाओगे, और एक घंटे में 60 किलोमीटर, एक घंटे में 60 मिनट, मतलब कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर, मतलब कि एक मिनट में एक किलोमीटर जाओगे अगर 60 की स्पीड आप चल रहे हो तो। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं। तो अब सोचो सारे बच्चे, अगर कोई आपसे पूछे कि दूरी, समय और चाल, इनका कोई संबंध बताना चाहे तो कैसे बताएगा। देखो, दूरी कैसे निकलती है, मैंने क्या बताया कि कोई एक घंटा लगातार 100 की स्पीड पर जाएगा तो 100 किलोमीटर तक चला जाएगा। मतलब क्या है कि दूरी कैसे निकलती है, आपकी जो भी चाल है, आपकी जो भी चाल है, मान लो आपकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके साथ में अगर आप समय की गुणा कर दो, इसके साथ में अगर मान लो समय की हम गुणा कर दें कि भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं 2 घंटे तक चला, तो 40 दूरी 80, 80 किलोमीटर की दूरी हो गई। बेसिक सी बात, कोई बड़ी चीज नहीं इसमें। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, यहां से फिर हमारी दो चीजें निकलती हैं, यहां से हमारी दो चीजें निकलेंगी। पहली क्या, चाल का फॉर्मूला निकल जाएगा कि चाल निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। फॉर्मूले में हमेशा ऊपर दूरी रहेगी, यह ध्यान रखना। और अगर समय निकालना हो तो दूरी बटे चाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नींद में भी याद रहनी चाहिए। देखो, दूरी तो सिंपल सी बात है, चाल गुना समय। जब आप चाल निकालोगे तो ऊपर तो दूरी रहने वाली है, ये पक्की बात है। नीचे क्या रहेगा, अगर चाल निकाल रहे हो तो नीचे समय, समय निकाल रहे हो तो नीचे चाल। सिंपल सी बात हो गया याद। अच्छा, ये तो बात होगी नॉर्मल सी के भाई, टाइम स्पीड डिस्टेंस के ये फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं इसकी, देखो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं इसकी। जैसे कि मान लो आपको मैक्सिमम इस चैप्टर में दो वैल्यूज मिलेंगी स्टैंडर्ड, कि आपको जो दूरी है, जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो किलोमीटर में दिखेगा पहली चीज। चाल मतलब के जो आपकी स्पीड है वो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिखेगी, और चूंकि किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो घंटा जब यहां पर आ गया तो जो टाइम होगा वो आपको घंटे में दिखेगा, आवर्स में दिखेगा। तो ये तीन चीजें हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अगर ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये डाटा आपको अगर मिनट में दे दिया उसने, तो आप इसको यूज करके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे।
तीनों स्टैंडर्ड वैल्यूज ही चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये बात मैं पहले ही इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे बाद में फिर कंफ्यूज होते हैं कि सर जी आपने मिनट को घंटे में चेंज क्यों किया, आपने इसको सेकंड में चेंज क्यों किया। तो वो चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ठीक है जी। पहले स्टैंडर्ड वैल्यू ये कि अगर किलोमीटर है किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पर आपके पास मिनट है तो आपको घंटे में उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात मान लो यहां पर घंटा है, यहां पर किलोमीटर है, और यहां पर किलोमीटर की जगह पर किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर है, यहां पर घंटे हैं ये, और यहां पर किलोमीटर की जगह पर आपको मीटर दे दिया, तो इसको यूज करके आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, आपको इसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। दोनों बात समझ में आ गई आपके। अब दूसरी स्टैंडर्ड वैल्यू देखो, एक और स्टैंडर्ड वैल्यू देखो, डिस्टेंस आपको मीटर में मिल सकता है, डिस्टेंस आपको मिल सकता है मीटर में। अगर डिस्टेंस मीटर में मिलेगा तो स्पीड होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, स्पीड होनी चाहिए मीटर, देखो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में स्पीड आपकी होनी चाहिए, पहली चीज। तीसरी चीज, आपका जो टाइम होगा वो सेकंड में होना चाहिए क्योंकि मीटर मीटर पर सेकंड, और अगर सेकंड आया है तो सेकंड में ही आपका क्या होगा, टाइम होगा। तो ये दो मेन वैल्यूज हैं जो आपको फिलहाल पता होनी चाहिए। किलोमीटर और मीटर पर सेकंड को आपस में बदला जा सकता है, कैसे बदला जाएगा हम आगे आने वाली क्लासों में बात करेंगे, आज बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनको आप जैसे मान लो किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई आपसे पूछे बताओ मीटर पर सेकंड में कितना होगा, तो आप बता सकते हो बड़े आराम से, ट्रिक है बहुत आसान, तो वो चीज हम देख लेंगे। फिलहाल ये चीजें हैं मोटी मोटी। एक बात और बताता हूं आपको, सारे बच्चे सुनो ध्यान से, जो कि इस चैप्टर में बहुत आपके काम आने वाली है, इतनी काम आएगी आपके कि आप सोची नहीं होगी। देखो मैं कहता हूं एक तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, चाल बोल रहा हूं मैं, चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल लिख भी देता हूं, किलोमीटर प्रति घंटा। और एक है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो ये दो जने हैं, एक है ए जना एक है बी जना, ए और बी दो जने हैं, तो ये जो है ये चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, पहली चीज, ये चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूसरी चीज, इन दोनों ने मान लो मैं आपको यहां पर कुछ ड्राइव करके दिखाना चाहता हूं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मान लो इन्होंने एक डिस्टेंस कवर किया जो कि 20 किलोमीटर का था, जो कि 20 किलोमीटर का था। अब ये जो यहां पर आपने लिखा, ये क्या था, ये थी चाल, क्या थी, ये चाल थी, ये क्या थी, चाल थी। ये जो यहां पर आपने लिखा, ये क्या थी, दूरी थी। और यहां पर जो आप लिखोगे, ये क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप समय, ये लिखोगे आप समय। तो मेरे को बताओ भी समय कितना कितना लगेगा। मैंने आपको बताया था समय का फॉर्मूला चाहिए तो दूरी बटे चाल, चाल का चाहिए तो दूरी बटे समय, और दूरी का चाहिए तो समय गुणा चाल। तो हमने निकालना है समय, समय के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी, 20, पहले केस में चाल कितनी है 10, तो 20 बटे 10 मतलब कि दो घंटे। दूसरे केस में दूरी सेम है दोनों केसों में, ये भी 20 किलोमीटर गया, ये भी 20 किलोमीटर गया, तो जब भी 20 किलोमीटर गया तो उसकी चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर जाने के लिए 20 बटे में 20 उसको केवल एक घंटा लगा, दूरी बटे चाल कर लो। अब यहां पर मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं, यहां पर मैं आपको देख लो ध्यान से एक चीज दिखाना चाहता हूं, क्या है वो चीज, यहां पर जो 10 और 20 है, ये जो 10 और ये 20 है, अगर इनकी मैं रेशो आपको निकाल के यहां पर कहूं कि भाई लिख के दिखाओ, तो आप लिखोगे 1:2, क्या लिखोगे, 1:2, यही लिखोगे, बोलो यस, यही लिखोगे ना। और ये रेशो 1:2 ध्यान से देखोगे तो इसका ठीक उल्टा रूप आपको यहां पर दिखाई देगा, 2:1, देखो ध्यान से, 1:2, 2:1। आपको लग रहा होगा सर जी ये कोइंसिडेंस हो सकता है, हर बार ऐसा थोड़ी सत्य होगा, हर बार सत्य होगा। देखो मान लो मैं कहता हूं 30 की स्पीड है और 20 की स्पीड है, इनका एलसीएम ले लो, ऐसी संख्या बीच में लेनी होती है जो दोनों से भाग हो जाए, तो एलसीएम ले लो आप इनका, तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6 और 0, तो 60 एलसीएम ले लिया, तो इनका यहां पर 30 दूनी, यहां पर 2 घंटे लगेंगे, 20, 30, 60, 3 घंटे लगेंगे, यहां पर आएगा 3:2, और इसका ठीक उल्टा 2:3 यहां पर, हर बार ये चीज सत्य है। तो ये बात लिख लेना अपनी कॉपी में, उतार लेना अपने जहन में, क्या, जब दूरी बराबर होती है, जब दूरी बराबर होती, ये एक ही रूल आपके लिए बहुत है, रूल और भी है लेकिन एक रूल आपके लिए बहुत है, जब दूरी बराबर होती है तो समय और चाल का संबंध विपरीत होता है। ये मैं आपको लिख के समझा चुका हूं, दिखा चुका हूं,
तो आप इस बात को लिख लेना और अपने लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। जैसे मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको लिख कर दिया है, आप भी अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना कि जब दूरी बराबर होगी, कि नहीं, दो आदमी अलग अलग चाल से चल रहे हैं, एक दूरी को कवर कर रहे हैं, तो ये पक्की बात है कि उनके द्वारा लिया गया समय उनकी चालों के अनुपात का उल्टा होगा। अनुपात में याद रखना, ये कोई रियल वैल्यूज नहीं है, ये अनुपात है, ये अनुपात है, इस अनुपात का ठीक उल्टा होगा। याद रखना, आप यहां पर उल्टा लिख के जो लाओगे, जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल समय हो, वो आपके समय की भी एक अनुपात हो सकता है, आपके समय का भी एक अनुपात हो सकता है, ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जो आ गया वही आपका उत्तर है, ना, वहां से आपको एक हिंट मिलेगा, रेशो मिलेगी, और रेशो को चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, वहां से कैसे आंसर निकलेगा फिर आगे हम देखेंगे, ठीक है जी। तो पहली चीज आपकी कवर होगी। अब ये जो सारा मैटर मैंने कराया, दैट्स ऑल, इसके अलावा फिलहाल आपको कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने, किताब का क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 है, उनकी चालों का अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है जी। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये बात आपसे पूछ ली, तो आप कैसे बताएंगे, बताओ कैसे होगा इसका सर। देखो, आप यहां से केवल एक छोटी सी बात देखो कि दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी चाल 6:7, ठीक है जी। तो चाल का आपको अनुपात दे दिया है, अनुपात लिखते हैं 6:7, ये जो अनुपात है ये है चाल का अनुपात, ठीक है जी। दूसरी रेलगाड़ी, ये मैं ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, ये है दूसरी रेलगाड़ी बी। जो बी रेलगाड़ी, उसके बारे में क्या दिया गया कि 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है, तो यहां से मैं दूसरी रेलगाड़ी की चाल बड़े आराम से निकाल सकता हूं। अब ध्यान से देखो, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बड़े प्यार से निकाली जा सकती है, दूरी बटे समय कर लो, 364 बटे में 4, दूरी बटे में 4, 4 निम 36 और 4 एकम 4, तो 91 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है किसकी, बी की चाल, ये किसकी चाल है, बी की चाल हमने निकाल ली, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको जो चाल दी है, आपको जो चाल दी है बी की, वो कितनी दी है, 7 यूनिट आपको चाल दी है, तो इस 7 यूनिट की वैल्यू 91 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं, बताओ एक्चुअल में, रेशो में आपको पढ़ा चुका हूं, है कि नहीं, कितने गुना है, देखो 7 एकम 7, 7 या 21, 13 गुना है कि नहीं। आपको पूछिए पहली रेलगाड़ी की चाल, तो पहली रेलगाड़ी की चाल भी 13 गुना ही होगी, 13 6 78, तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है जी, हाँ ओके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे। 3 कारों की चालों का अनुपात ये है, समान दूरी तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अभी मैंने बेसिक में आपको सिखाया कि इनकी चाल का अनुपात आपको दे रखा है, 3 कार हैं ए बी सी मान लो, 2:3:4, और इनका जो आप एलसीएम लोगे वो क्या होगा, वो होगी इनके द्वारा तय की गई दूरी जो कि समान है तीनों केस में। तो एलसीएम लोगे तो 4 और 3 का एलसीएम तो 12 आ जाएगा, और 6 भी 12 को भाग कर देगा तो 12 ही एलसीएम होगा। एचसीएफ एलसीएम चैप्टर भी आपको पढ़ा चुका हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों निकला ये 12। अब यहां से ये जो रेशियो आएगी, ये आएगी समय की रेशियो, याद रखना वो जो उल्टा सिस्टम है ना कि भाई उल्टी रेशियो होगी, वो केवल दो लोगों के केस में होगी, अगर 3 आ जाए या ज्यादा आ जाए तो आपको ऐसे करना है फिर, ठीक है। देखो, 2 भाग करोगे 6, 3 से भाग करोगे 4, 4 से भाग करोगे 3, तो 6 4 3 मतलब कि 6:4:3, ये होगा आपका एक्चुअल अनुपात, 6 4 3 किसका, समय का अनुपात, और आपसे समय का ही अनुपात पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ जाते हैं, और यहां पर आपको एक नई चीज देखने को मिलती है, औसत चाल, औसत गति, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि औसत गति क्या होता है। यहां पर आप देखोगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया गया है, कोई एक्चुअल डाटा नहीं है। तो देखो, एक व्यक्ति ए से बी तक 1 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से गया, तथा वापिस बी से ए वाई किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से लौटा, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। देखो, पहले समझो कि एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, पहले आप इस बात को समझें। देखो, मान लो मेरे को घर से स्कूल जाना है और स्कूल से वापिस घर आना है, आप पहले इस बात को देखो, मेरे को घर से स्कूल जाना है, स्कूल से वापिस घर आना है, तो मान लो मैं स्कूल गया
तीन की स्पीड पे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे, और मैं वापिस आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे, गया आराम से आया तेज, तो आप देखोगे कि जाते टाइम जब मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, अब स्कूल मेरे घर से कितनी दूर है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मैं गया स्कूल में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया वापस, तो आप इमेजिन करो कि जाते टाइम मेरे को ज्यादा समय लगा होगा और आते टाइम मेरे को कम समय लगा होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं धीमे चलूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, जब मैं तेज चलूंगा तो टाइम कम लगेगा, तो अल्टीमेटली कुछ टाइम जाने में लगा, कुछ टाइम आने में लगा। क्या बात समझ रहे हैं आप? तो ये कह रहा है कि जैसे मान लो जितनी भी दूरी स्कूल की थी, घर से स्कूल की, वो दूरी एक बार गए और आए, मतलब 2 बार कवर हुई दूरी, तो ये बातें औसत गति की क्या है कि अगर उस दूरी को खोल दिया जाए, मतलब कि मान लो 10 किलोमीटर दूर था स्कूल मान लो, या 12 किलोमीटर मान लो, तो 12 गया और 12 आया, तो अगर 24 किलोमीटर की दूरी को खोल दें, 24 किलोमीटर की एक लंबी दूरी बना दें, और आने जाने में स्कूल में जितना टाइम लगा आने जाने में दोनों मिला के, तो वो टाइम, उतने टाइम में अगर वो 24 किलोमीटर दूरी तय करनी हो तो जो स्पीड आएगी उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, औसत गति। ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, आप दोबारा से देख लेना ये बात जो मैंने बोल ली है, दोबारा से इसको ध्यान से समझना, एवरेज स्पीड आपके समझ में आएगी। कहने का मतलब ये है कि आने जाने की दूरी को जोड़कर खोल दो, लंबी दूरी कर दो, और उसको उतने ही समय में तय करना है जितने समय में आना जाना में टाइम लगा है, उस समय में तय करोगे तो कितनी चाल होगी वो चाल एवरेज स्पीड होती है। जैसे कि यहां पर हम देखेंगे, देखो अब इसको करने का एक बेस्ट तरीका है, यहां से एक फॉर्मूला भी अपना निकल जाएगा, तो देख लो सारे बच्चे, ए से बी तक एक्स की किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया, मतलब मान लो घर से स्कूल गया, वो घर से स्कूल गया ये मान लो आप, तो चाल कितनी थी उसकी, चाल थी उसकी एक्स, वापिस बी से अब स्कूल से घर आया तो वाई किलोमीटर की चाल थी, ठीक है। अब यहां पर जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो ये क्या होगा, ये होगी दूरी, ये होगी दूरी, ये होगी दूरी, दूरी मान लो इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम का क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल, मतलब कि x into y, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो गुणा जो होता है वही इनका एलसीएम होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। अब यहां पर जो इनका समय का रेशो होगा, समय का रेशो वो क्या होगा, वो x से भाग करोगे तो y बचेगा, y से भाग करोगे तो x बचेगा, ये आ गया इनका समय का रेशो। अब मेरी वही बात पकड़ो जो अभी मैंने आपको सिखाई कि आने जाने में जितनी दूरी लगी टोटल उस दूरी को खोल दो, जैसे कि x इंटू वाई दूरी है स्कूल जाने की, तो आने की भी x इंटू वाई होगी, तो कुल दूरी अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होगी 2 x y। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल दूरी जाने में भी और आने में भी मिला दो तो कितनी, 2 x y, और आपको बतानी है औसत चाल, आपको बतानी है औसत चाल, तो चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी, टोटल दूरी निकाल दी बटे में समय। अब टोटल समय कितना लगा आने जाने में, इसको देखो, स्कूल जाने में वाई समय लगा, आने में एक्स समय लगा, तो आने जाने में टोटल समय कितना लगा, एक्स प्लस वाई समय लगा, तो नीचे आ जाएगा एक्स प्लस में वाई, 2 x y / x + y, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो आप एक ये बात ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 x y डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आया फॉर्मूला ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है जी। अब यहां पर इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अब आते हैं मेन जबरदस्त क्वेश्चन, जो सीखने लायक क्वेश्चन है, जो देखने लायक क्वेश्चन है कि हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है जी। तो देखते हैं, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को, अब यहां पर क्या लिया है, किसी एक ही दूरी को मैंने सबसे पहले आपको कंसेप्ट कौन सा कराया, सबसे पहले कंसेप्ट कौन सा कराया आपको, जब दूरी बराबर होती है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि उस कंसेप्ट के ऊपर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप देखना क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, अब हम क्वेश्चन का लेवल देखेंगे। ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, मतलब देखो एक तो ए है एक बी है, इनकी चाल दे रखी है किसी समान दूरी को तय करने के लिए, इसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर अगर मैं एलसीएम लूं या ना भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात का पता है जो रेशो ये है समय की रेशो, इसकी ठीक उल्टी होगी। देखो 9 10 खुद ही रेशो में है, तो यहां पर 10 और 9 आएगा, यह पक्की बात है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था
कि यहां पर जो आए जरूरी नहीं वो एक्चुअल समय आए, वो रेशो में आ सकता है, समय की रेशो भी आ सकती है, ठीक है जी। तो 10:9 ये समय की उल्टी रेशो होगी, आप कर भी सकते हो, इनका एलसीएम 90 आएगा और आप इसको दूरी मान सकते हो, ये मान रहे हैं कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है, ये जो लाइन है इसको हम कैसे यहां पर इंटरलिंक करेंगे। देखो, यदि ए के द्वारा लिया गया समय बी के द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, ये बात मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ए के द्वारा लिया गया समय बी के द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, आप केवल ये देखो कि ए ने बी से समय कितना अधिक लिया, बस ए ने बी से समय कितना अधिक लिया। आप कहोगे सर जी एक यूनिट ज्यादा ली, कितनी ज्यादा ली, एक यूनिट। तो इस एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, आप साफ साफ देख पा रहे हो 36 मिनट, कितनी 36 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि इस एक यूनिट की वैल्यू है 36 मिनट। आपसे पूछा यह दूरी कितनी है, तो दूरी निकालने के लिए आपके पास चाल तो है, चाल तो है, समय भी होना चाहिए, ये तो हमने रेशो मान रखी है। तो एक्चुअल समय कैसे निकालोगे, या तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो 9 की या 10 की। देखो 9 की वैल्यू निकालोगे तो समय गुणा में चाल, समय गुणा में चाल दूरी आ जाएगी, इसकी निकालोगे तो समय गुणा में चाल फिर दूरी आ जाएगी, कुछ भी निकाल लो। अब 1 की वैल्यू आ गई तो हम 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 की वैल्यू क्या होगी, 360 मिनट। अब देखो ध्यान से देखना सारे बच्चे, मैंने आपको क्या सिखाया स्टैंडर्ड वैल्यूज में, कि अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा से डील कर रहे हो तो आपका समय भी घंटे में होना चाहिए, बताया था मैंने आपको, मिनट में नहीं होना चाहिए। जब आप 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से क्वेश्चन को चला रहे हो तो आप मिनट में क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, इसको घंटे में चेंज करो पहले। तो इस 10 यूनिट की वैल्यू 360 मिनट आई है, आपको दिख रहा है, लेकिन इसको घंटे में चेंज करो। घंटे में चेंज करने के लिए आप 60 से भाग कर सकते हो, जैसे कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, सभी बच्चों को पता है, ठीक है। तो अगर 60 मिनट को आपको एक घंटे में चेंज करना है तो आपको 60 को 60 से भाग करना होगा, तब आएगा एक। तो मिनट से घंटे में आना है तो 60 से भाग करना पड़ेगा, और घंटे से मिनट में जाना है तो 60 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक में 60 से गुणा करोगे तो ही तो 60 आएगा। तो हमने मिनट से घंटे में आना है तो हम 360 से भाग कर देते हैं 360 को, ये आएगा आपका 6 घंटे। कितना आएगा, 6 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि भाई 6 घंटे समय लिया, यहां पर ए ने जो 360 मिनट ली इसका मतलब था 6 घंटे का इसने समय लिया, और 6 घंटे का समय लिया तो किस चाल से लिया, 9 चाल से। 6 समय 6 घंटे, चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 निम 54, तो 54 किलोमीटर की दूरी थी भाई, ऑप्शन नंबर ये जो भी है बी सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी, दूरी बराबर। अभी मैं थोड़ा सा आपको स्लो करा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, मैं चाहता हूं हर वो बच्चा समझ जाए जिसको बिल्कुल भी नहीं आता कुछ भी। चाल कितनी थी अपनी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना था, समय 6 घंटे, तो 6 निम 54। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर जी इससे करके दिखाओ नीचे वाले से, तो आप 9 की वैल्यू निकाल लो, 9 की वैल्यू निकालोगे तो 6 निम 54 का 4 का सिल बचे 5, 9 3 27 और 5 32, 324 आ जाएगा, और इसको आप घंटे में चेंज करोगे तो 324 बटे में 60 आ जाएगा, बटे में 60 आ जाएगा, और गुणा करोगे, अब ये आया क्या, घंटे में समय आ गया, और गुणा में आपको करनी पड़ेगी चाल जो कि 10 है, तो 0 0 कट की 6 से काटोगे तो देखो 6 5 30 और 6 4 24 54 आ जाएगा फिर भी, तो दोनों केस में आपका 54 ही आने वाला है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वेरी गुड क्वेश्चन है। ए बी से दुगना तेज धावक है, ए बी से दुगुना तेज धावक है, ठीक बात है, तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। देखो ए डिपेंड करता है बी पर कि भाई ए जो है बी से दुगुना तेज भागता है, और बी डिपेंड करता है सी पर कि जो बी है सी से तिगुना भागता है, तो सारे जने किस पर डिपेंड हो गए, सी के ऊपर, तो वैल्यू मानेंगे किसकी, सी की, तो सी की वैल्यू मान लो 1, सी की वैल्यू 1 मान ली, तो सी से तिगुना तेज कौन है, बी तिगुना तेज, और बी से दुगुना कौन है, ए, तो ये 6 आ गया। ये क्या आई, ये आई रेशो, किसकी, चाल की रेशो, क्लियर क्वेश्चन। अब यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 एकम 6 3 दुनी 6 1 छिका 6, ये जो आया ये आई किसकी रेशो, समय की रेशो, ये किसकी रेशो आई, समय की रेशो आ गई। सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की, अब देखो सी किसी दूरी को कितने समय में तय करता है, 6 यूनिट में, सी किसी दूरी को कितने समय में तय करता है,
छह मिनट में, लेकिन एक्चुअल समय कितना लिया उसने, 1 घंटा 54 मिनट। तो घंटा और मिनट इकट्ठे हैं, तो इनको या तो मिनट में चेंज कर लो या घंटे में चेंज कर लो। तो मिनट में कर लेते आसान रहेगा। 1 घंटा 54 मिनट का मतलब है 1 घंटे में 60 मिनट और प्लस 54 मिनट, तो आप पाओगे 4 114 मिनट, 114 मिनट। तो 6 की वैल्यू क्या है, 114 मिनट। और आप पाओगे कि 19 छिके 114 होता है, 19 छिके 114, तो ये इसके 19 गुना है। देख लो सारे बच्चे, 19 गुना है। आपसे क्या पूछा है, ए उसे तय करने में कितना समय लेगा, तो ए की वैल्यू आपको बतानी है, ए वाली, तो कितना लेगा, 19 गुना लेगा, 19 एकम 19 मिनट। कितनी मिनट लेगा ए, 19 मिनट लेगा तय करने में, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वेरी गुड क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो जो सबसे बेसिक बात है वो तो ये है, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति से 4/5 है। देखो कार है और रेलगाड़ी है, देखो हमेशा से मैं आपको बताता आया हूं कि इस फ्रैक्शन को पढ़ना मात्र ही कला है, फ्रैक्शन को पढ़ने से वैल्यू निकालना ही कला है। कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं इस चीज को। रेलगाड़ी की औसत गति, सॉरी कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का, देखो कार की, अब मैं थोड़ा सा आपको छोट में लिखकर दिखा रहा हूं, कार की गति छोड़ दो, गति तो पता ही है, गति है कार की, रेलगाड़ी का, रेल गाड़ी का 4/5, ये बात मैंने निकाली, कार की रेलगाड़ी का 4/5 है। हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन से ठीक पहले का के की आपको दिखाई देगा, मैक्सिमम केस में, कुछ और भी हो सकता है, वो आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। उस का से ठीक पहले जो लिखा हो, जैसे कि रेलगाड़ी लिखा है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये चीजें पेड कोर्स के अंदर भी नहीं है, मतलब मैंने तो कराई है लेकिन लोग इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करते, वो ये समझते हैं कि ये चीजें तो आपको आती ही होंगी, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। का से ठीक पहले जो रेलगाड़ी लिखी है, इस रेलगाड़ी की वैल्यू अगर माननी है, अगर चूंकि यहां पर गति की बात हो, चाल की बात हो रही, तो चाल ही मानेंगे, तो रेलगाड़ी की चाल का से ठीक पहले जो लिखा वो हमेशा नीचे यहां पर निरूपित करता है, जो ये नीचे लिखा हुआ ये हमेशा का से पहले जो लिखा है उसको निरूपित करता है, पहली बात। इसके पहले जो लिखा हो, जैसे कि कार लिखा है, ये हमेशा ऊपर जो लिखा है इसको निरूपित करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे इनकी चाल का आपसे अनुपात पूछूं, तो आप केवल ये देखना कि कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5, मतलब नीचे है 5, पहले लिखा है रेलगाड़ी, तो 5 रेलगाड़ी की चाल होगी और ऊपर लिखा है 4, तो ये कार की चाल होगी, ये इनकी चालों का अनुपात है। ठीक है साहब जी, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अभी ये ऊपर वाली लाइन पढ़ो, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में इतनी किलोमीटर की दूरी तय की, ये जो एग्जामिनर है वो आपको क्या दिखाना चाह रहा है, 19 घंटे में इतनी दूरी तय करती है रेलगाड़ी, समय दे दिया, दूरी दे दी रेलगाड़ी के लिए, तो रेलगाड़ी की क्या निकलवाना चाह रहा है, चाल निकलवाना चाह रहा है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी बताओ, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, 1235 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है 19 घंटे समय में, तो चाल क्या होगी, देखो 19 छिका 114, 6 और 3 9 19 5 95 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आपके पास चाल का रेशो ये है, आपके पास चाल का रेशो ये है, तो रेलगाड़ी की एक्चुअल चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने गुना है, 13 गुना है, तो कार की चाल भी 13 गुना होगी, 13 चौके 52 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, कार 22 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, अगर कार, देखो दूरी पूछी है कार के लिए, तो दूरी का फॉर्मूला तो सिंपल है, समय गुणा में चाल, समय दिया है 22 घंटे और कार की चाल हमने निकाल ली 52, तो बस इसको गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 52 को पहले आप 2 से कर लो 104 आएगा, फिर 11 से कर लो तो 104 1144, तो 1144 किलोमीटर की जो है दूरी वो तय करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर बी।
मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन आज। देखो अगर जो बच्चा अब तक भी देख रहा है क्लास को, अब तक भी देख रहा है क्लास को, तो मैं ऐसा फील कर पा रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, आपको लग रहा होगा कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे हो। और एक्चुअल में यही चीजें हैं सीखने की साहब जी, वरना मैथ के अंदर सोल्यूशन भी है, क्वेश्चन भी है, सब कुछ है, लेकिन जो बारीकियां हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूं साथ साथ में। सातवां क्वेश्चन, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ए है भाई, उसकी दो चाल है, चाल नंबर 1, चाल नंबर 2, दो चाल है उसकी। पहली चाल क्या है? पहली चाल यह है कि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरी चाल क्या है? वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 3 किलोमीटर की चाल और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब हम अपने बेसिक से करेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो हम अपना बेसिक काम पहले करेंगे पूरा। यहां पर एलसीएम लेंगे 12, चाहे आप इसका एलसीएम ना भी लो, आप इसका एलसीएम ना भी लो, आप डायरेक्ट देखो कि अगर ये रेशो इनकी चाल का है तो समय का रेशो क्या, क्योंकि वो दोनों बार क्या कर रहा है, वो घर से विद्यालय जा रहा है और फिर वो क्या कर रहा है, दूसरे दिन भी विद्यालय जा रहा है, तो दोनों बार सेम दूरी है, और अगर समान दूरी है तो कंसेप्ट लग जाएगा अपने वाला, ठीक है जी। तो यहां पर समय अगर देखें तो 4 और 3 आएगा, 4 और 3 आएगा। अब यहां पर आपको केवल एक बात देखनी है कि समय टाइम गैप कितना है बीच में, बस ये बात समझनी मेन है इस क्वेश्चन में। आपसे पूछा घर से विद्यालय की दूरी, देखो 5 मिनट, देखो जब वो 3 किलोमीटर की दूरी से जा रहा तो वो ये समय ले रहा था, 4 का समय, जब 4 की दूरी से गया तो वो ये समय ले रहा, सीधी सी बात है समय कम लेगा अगर तेजी से जाएगा तो, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया भी था। अब आप देखो कि वो कितना कम ले रहा है और कितना ज्यादा समय ले रहा है। जब वो 3 की गति से गया तो एक्चुअल जिस टाइम पर वो पहुंचता है उससे 5 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब कि मान लो उसका 9 बजे का स्कूल है तो 5 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब यहां पर वो 9:05 पर पहुंचा होगा, ऐसे मैं मान रहा हूं, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये, मैं मान रहा हूं कि 9:05 पर पहुंचा होगा। और जब 4 की स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो यहां पर जब वो पहुंचा होगा 3 के समय में तो वो 8:55 पर पहुंच गया होगा, 8:55 पर पहुंच गया होगा। अब जो मैं स्टेप मारने वाला हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक यूनिट में कितना समय कम हुआ, यूनिट में कितना समय कम हुआ, 1 यूनिट समय कम हुआ, और टाइम में कितना टाइम कम हुआ, देखो 9:05 से 8:55 तक 10 मिनट कम हो चुकी है, कितनी मिनट कम हो चुकी है, 10 मिनट। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो, एक तो समय से 5 मिनट पहले पहुंचा, समय के 5 मिनट बाद पहुंचा, तो टाइम ट्रेवल टोटल टाइम गैप कितना है, 10 मिनट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 10 मिनट। ये बात ठीक है जी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है, अब आप इसको हटा दो, ये केवल सीखने की चीजें थी, ये बार बार आपको लिखना नहीं है, आपको यहां से पकड़ना है 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद, 5 और 5 10, बात खत्म, ठीक है जी। अब यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट आई, ठीक है, तो यहां पर 4 यूनिट की वैल्यू क्या 40 मिनट होगी, बिल्कुल होगी। क्या 3 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट होगी, बिल्कुल होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ। तो इसकी वैल्यू आई 40 मिनट और इसकी वैल्यू आई 30 मिनट, ये एक्चुअल आ गई, अब एक्चुअल आ गई, और ये जो चाल है ये भी एक्चुअल चाल है, एक्चुअल चाल है ये भी। तो आपके पास समय आ गया, चाल आ गई, विद्यालय की दूरी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या है, चाल गुना में समय, चाल गुना में। इस क्वेश्चन को 10 बार करके देखना जब तक अच्छे से समझ में आए, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आ जाएगा। चाल कितनी है, कोई सी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये ले लेते हैं नीचे वाले क्योंकि यहां पर आधा घंटा है ना, तो आधा घंटा लिखने में आसानी होगी। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मान लो, और इस चाल पर समय कितना लिया था, 30 मिनट। तो आपको पता है अगर हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा ले रहे हैं तो समय भी किसमें लेंगे, किसमें लेंगे, घंटे में लेंगे, जबकि समय 30 मिनट आया है, तो 30 को 60 से भाग दे देंगे, ये आएगा 1/2, 2 से काटोगे तो 2 पे कटेगा, तो कितना होगा 2 किलोमीटर। तो जो स्कूल है वो कितनी दूर है घर से, 2 किलोमीटर दूर है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं, देखो एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है, यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलें तो 1 घंटे में मिलती हैं, तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है,
ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, इसके अंदर आपको कुछ नए कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने बताया था ना जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दी थी, बाकी चीजें हम क्वेश्चन के साथ साथ सीख रहे हैं। देखो एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। ये जो दूरी है ये 100 किलोमीटर की दूरी है, ये जो दूरी है ये 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ए ये बी, ए और बी के बीच 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है जी। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। एक कार यहां से चलती है ए से, एक कार चलती है बी से। अब देखो वो चलती कैसे कैसे है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले, अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह कि अगर ये कार इस दिशा में गई तो ये कार भी इस दिशा में जाएगी, सेम दिशा। अगर ये कार इस दिशा में गई तो ये कार भी इस दिशा में जाएगी, सेम दिशा का मतलब है ये। तो आप समझो सारे बच्चे इस बात को कि इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस तो यही है लेकिन कवर करने के लिए एक ही दिशा में जा रही है। तो मान लो या तेज चल रहा है, हम मान लेते हैं कि ये जो गाड़ी है ये तेज चल रही है, ये धीमे चल रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में। तो आप पाओगे कि ये जो है एक यहां पर किसी पॉइंट पर जाकर मिलेंगे, आगे जाके कहीं पर मिलेंगे। तो एक्चुअल में आप समझो इस बात को, इस पॉइंट पर जब ये मिलेंगे यहां पर, तो यहां से लेके यहां तक जितना इन्होंने टाइम लगाया, ये टाइम एक्चुअल में इसी दूरी को कवर करने के लिए लगाया है। अब ये बात आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी लेकिन ये सत्य है। क्यों? अब देखो सारे बच्चे क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या, जब मान लो ये कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी, ये चल रही थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो ये मंदी है, ये तेज है, तो कहीं ना कहीं ये इनको पकड़ देगी, ये बात तो पक्का है। तो मैं केवल आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि ये 100 किलोमीटर की दूरी धीरे 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 यहां पर कवर हुई। अब थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ये 100 किलोमीटर की दूरी धीरे 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 चलते 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 यहां पर उन्होंने कवर की, जैसे ये मिले 100 किलोमीटर की दूरी कवर हो गई। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या, हाँ वो अलग बात है कि ये इस पॉइंट से कितनी दूर जाकर मिले, वो एक नई बात है, वो अलग मैटर है। अब देखो सारे बच्चे, ये इस डायरेक्शन में गई, ये इस डायरेक्शन। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो 20 की जा रही है 30 की, ये एकदम से इसको पकड़ देगी, ना, इसके पकड़ने का एक रेट होगा। क्या रेट होगा कि भाई ये 20 की स्पीड जा रही है, 30 की स्पीड जा रही है, तो ये इसको कहीं पर जाकर पकड़ेगी, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, अब जो एक नया शब्द आया रिलेटिव स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड क्या है सर जी, रिलेटिव स्पीड तब निकलती है जब दो आर्टिकल सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, चलते हैं। जैसे कि ये दोनों रेल कारें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जब ये एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी चाल घट जाएगी, और घटने के बाद जो चाल आएगी वो आती है रिलेटिव स्पीड। जैसे कि आप देखो दो बाइक हैं आपस में रेस लगाने लग रही हैं, रेस लगा रही हैं, तो मान लो वो भी 100 की स्पीड पे, वो भी 100 की स्पीड पे, तो आगे कौन निकलेगा दोनों में से, दोनों में से आगे कौन निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी रिलेटिव स्पीड जीरो हो गई, उसकी भी 100, सेम दिशा में जा रहे हैं, 100 माइनस 100, रिलेटिव स्पीड जीरो, आगे कोई निकल ही नहीं पाएगा। जैसे ही राइट हैंड साइड वाले ने 101 पर स्पीड अपनी बढ़ाई तो रिलेटिव स्पीड आ गई 1, तो आगे कौन निकलेगा, जो 101 की स्पीड पर है, और किस स्पीड से आगे निकलेगा, 1 की स्पीड से, धीरे 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 धीरे, बात समझ रहे हैं मेरी। अगर मान लो ये इसका छो उठ गया, ये इसने 110 बजा ली, तो इसकी 110, इसकी 101, रिलेटिव स्पीड कितनी, 9, तो अब ये वाला 9 की स्पीड से आगे निकलेगा। ये होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, पहली चीज। तो जब आप सेम डायरेक्शन में जाओगे, जब आप सेम डायरेक्शन में, ये थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में लेकिन आप समझ जाओगे, जब आप सेम डायरेक्शन में जाओगे तो स्पीड में हम उनका डिफरेंस देखेंगे, क्या देखेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे, उनका अंतर देखेंगे। जैसे कि 30 माइनस, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 30 माइनस 20 रिलेटिव स्पीड कितनी आई, 10, तो हम ये मानेंगे कि ये 100 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से तय की जा रही है, 10 की स्पीड से तय की जा रही है, ठीक है जी। अच्छा ये तो हो गया रिलेटिव स्पीड जब हम सेम डायरेक्शन में जाएं, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो क्या होगा। अब देखो सुनो, आप जा रहे हो बस में बैठे हो, रोडवे जा रहे हो, ब्रेक कितनी बजावे हैं, और आप जा रहे हो मान लो महम साइड से रोहतक साइड, ठीक है, और रोहतक से महम दूसरी तरफ एक रोडवेज आ रही है, और आपकी रोडवेज है 100 की स्पीड पे, और वो रोडवेज 100 की स्पीड पे है, तो वो ऐसे निकलेंगे एकदम से तेज गति से निकलेंगे। तो तेज गति से जब निकलेंगे तो आप ये भी नहीं देख पाओगे कि ड्राइवर बूढ़ा था, जवान था, किसे रंग की शर्ट पहन रहा था, कितने मानस बैठे थे बस में, ना उसका नाम पढ़ पाओ, कुछ नहीं पढ़ पाओ, बस आपको ये पता लग गया कि कुछ लीला लीला गया है,
एक रोडवेज गई है, बस इतना आपको पता लगेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि 100 की स्पीड पर आप आराम से, अगर आप खड़े हो 100 की स्पीड पर कोई चीज जा रही है तो आप उसका नाम पढ़ सकते हो, ये देख सकते हो कौन कौन बैठा था, मोटा मोटा देख सकते हो। लेकिन जब इस तरीके से निकलते हैं 100 की स्पीड में तो नहीं देख पाते, ऐसा क्यों? वो सारा कारनामा है रिलेटिव स्पीड का। क्योंकि जब आप अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हो, तो वो 100 की स्पीड पर, तुम भी 100 की स्पीड पर स्पीड जुड़ जाती है, 200 की स्पीड पे क्रॉस होते हो 200 की स्पीड में। तो रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीडें जुड़ जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ये बात आप विशेष ध्यान रखना। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि भाई ऐड होंगी और घट जाएंगी, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो घटेंगी, अपोजिट में जाएंगे तो जुड़ेंगी। अब यहां पर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई। चलो ठीक है जी, इन्वर्टर बोल गया था, कोई बात नहीं। देखो कैसे करेंगे इसको, आप यहां पर ध्यान से देखो एक चीज, इतनी सारी बातें होगी, अब हम सीखते हैं कि भाई क्या हुआ इस पूरे मैटर में। अब देखो, एक राजमार्ग पर जब दो स्थान ए से बी के एक दूसरे के बीच में है, अब आपको सारी बातें समझ में आऊंगी, दिमाग में बढ़ गई ना। अब देखना, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है, दोनों एक ही दिशा में, जब वो एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलती हैं, जब वो एक ही दिशा में जा रही थी तो कहीं पर लास्ट में 5 घंटे पर मिली। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की गई, ठीक है। और जब वो सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में जा रही थी, मान लो ए तेज चलती है बी धीमे चलती है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही रिलेटिव स्पीड होगी, इनका जो डिफरेंस होगा वही रिलेटिव स्पीड होगी। और स्पीड क्या आई, 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर दी, तो 100 दूरी बटे समय मतलब के 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बातों को बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे, ठीक है जी। दूसरे केस में यदि वे एक दूसरे की ओर और विपरीत दिशाओं में चले, ओर आना मतलब विपरीत दिशाओं में होता है, 1 घंटे में मिलती हैं, मतलब कि अगर विपरीत दिशा में जाएंगी एक दूसरे की तरफ आएंगी तो चालें जुड़ जाएंगी, उस टाइम पर 100 किलोमीटर की दूरी केवल 1 घंटे में तय की जाएगी, मतलब कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये बीच का मैटर मैं हटा देता हूं, ये आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना ये इनकी स्पीड नहीं है, ये इनकी रिलेटिव स्पीड है, कि अगर ए की स्पीड में से बी की स्पीड घटाएंगे तो 20 आएगा, ए की स्पीड में बी की स्पीड जोड़ेंगे तो 100 आएगा। अब आपको केवल ये बताना है कि ए की और बी की वैल्यू क्या है, तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है, एक ही चाल आपसे पूछी है, एक ही चाल पूछी है, तो एक ही चाल आपसे पूछी है। अब एक ही चाल क्यों पूछी, तेज चलने वाली चाल, तेज चलने वाली कार में से मंदी वाली घटाएंगे तभी तो प्लस का आएगा, अगर बी तेज चलती तो ए में से बी घटाती तो नेगेटिव नहीं आता, ये बात आप बस ध्यान से सोचो। तो हमने ए की वैल्यू निकालनी है, तो या तो आप सिंपल तरीके से इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो बी कट जाएगा, 2a बराबर 120, फिर ए की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो यहां पर आप क्या करो, आप एक चीज देखो, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान होता है, जो ए है वो दोनों साइड पॉजिटिव है ना, जब a माइनस बी ए प्लस बी आ जाए तब आप इस केस में ऐसा कर सकते हैं, a दोनों में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आप इन दोनों को जोड़ो 120 और बटे में कर दो 2,